दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराने के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का रोहित शर्मा ने ऐलान कर दिया है, जिसमें उन्होंने इस महामुकाबले में टीम इंडिया में तीन बड़े बदलावों के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया है। क्योंकि रोहित शर्मा ने पहले ही साफ कर दिया है कि हम इस मैच में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और जो खिलाड़ी इस वर्ल्ड कप में पूरी तरह से फ्लॉप चल रहे हैं उनको इस महामुकाबले से प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए सब कुछ बताने वाले हैं कि वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कब खेला जाएगा और टीम इंडिया की क्या प्लेइंग 11 होने वाली है। लेकिन उससे पहले अगर आप रोहित शर्मा के लिए एक बेहतरीन प्लेयर मानते हैं तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी हां दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। इसी को लेकर ही भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और उस महामुकाबले में उन्होंने कोई भी रिस्क नहीं लिया है, क्योंकि जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन रहा है उसी को देखते हुए रोहित शर्मा मैच से पहले ही पूरी तरह से आश्वस्त नज़र आ रहे हैं और टीम इंडिया की जीत इस महामुकाबले में सुनिश्चित मानी जा रहा है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका की टीम को फाइनल में हराया है तो उसी तरह से वह भी वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में बड़ा उलटफेर कर सकती है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम का वर्ल्ड कप में हमेशा से ही पड़ला भारी रहा है, तो वहीं भारतीय टीम ने जिस तरह से इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का बल्लेबाजी क्रम तथा बॉलिंग काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। जिस तरह से टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने इस वर्ल्ड कप में प्रदर्शन किया है, वही उम्मीद है कि वह इस मैच में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हालाँकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया और टीम में की बॉलिंग तथा बल्लेबाजी भी मजबूत मानी जा रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी तक वर्ल्ड कप के फाइनल में 8 बार खेली है, जिसमें उसने 5 बार जीत दर्ज की है, इसलिए वह बड़े मैच की एक बनी बनाई टीम मानी जाती है। तो वहीं भारतीय टीम वर्ल्ड कप मात्र 2 ही बार जीत सकी है, इसलिए रोहित शर्मा का मैच से पहले ही ऐलान कर दिया है कि हम इस बार का वर्ल्ड कप जरूर जीतेंगे और इस महामुकाबले में जो वर्ल्ड कप में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो रहे सूर्य कुमार यादव को टीम की प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, तो वहीं उनकी जगह नए खिलाड़ियों की एंट्री कराई जा सकती है। तो वहीं भारतीय टीम के पूर्व कप्तान और महेंद्र सिंह धोनी ने भी कहा है कि इस बार वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान पैट कमिंस ने मैच से पहले ही ऐलान कर दिया है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है और हर हाल में हम 6वां वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से उतरेंगे। लेकिन रोहित शर्मा का भी ऐलान हो चुका है कि हम वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराने के लिए एक नई प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरते हुए दिखाई देने वाले हैं। यहां पर भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और इस वर्ल्ड कप में लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले शुभमन गिल करते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि इन दोनों खिलाड़ियों ने अभी तक वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जहां पर तक अभी तक भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा हर मुकाबले में टीम इंडिया के लिए एक शानदार शुरुआत दिला रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में ताबड़तोड़ टीम इंडिया के लिए शुरुआत दिलाई थी, वही उम्मीद है कि वह आखिरी मुकाबले में ही ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे। जहां पर रोहित शर्मा ने अभी तक वर्ल्ड कप के सभी 9 मुकाबले खेले हैं, जिसमें वह 4 अर्धशतक तथा 1 शतक के साथ वह 550 से भी अधिक रन बना चुके हैं। तो वहीं शुभमन गिल का भी वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, जिस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार 80 रन की पारी खेली और वह उस मैच में चोटिल हो गए थे, नहीं तो वह शतक भी लगा सकते थे, इसलिए वह भी इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां पर शुभमन गिल ने अभी तक सभी मैच खेले हैं, जैसे मुंबई 450 से भी अधिक रन बना चुके। तो वहीं 3 नंबर के लिए टीम इंडिया के पास किंग कोहली मौजूद है, क्योंकि किंग कोहली इस वर्ल्ड कप में कुछ अलग ही रौद्र रूप अपनाए हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने इस वर्ल्ड कप में प्रदर्शन किया है, वही उम्मीद है कि वह आखिरी मैच में भी ऐसा प्रदर्शन करेंगे तो टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित मानी जाएगी, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने मुश्किल पिच पर शानदार श्रेयस अय्यर के साथ शतकीय पारी खेली और वही उम्मीद है कि वह फाइनल मुकाबले में ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे। जहां पर विराट कोहली ने अभी तक वर्ल्ड कप के सभी मैच खेले हैं, जिसमें वह 3 शतक तथा 4 अर्धशतक के साथ वह 711 रन बना चुके। तो वही 4 नंबर के लिए
भारतीय टीम के पास इस वर्ल्ड कप में एक मिडल ऑर्डर को तूफानी शुरुआत दिला रहे हैं वह कोई और नहीं बल्कि श्रेयस अय्यर मौजूद है, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जहां पर वह पिछले चार मुकाबलों में तो कुछ अलग ही प्रदर्शन करते आ रहा है, जहां पर उन्होंने पिछले चार मुकाबलों में बेहतरीन पारी खेली है जिसमें वह दो शतक तथा दो अर्धशतक लगा चुके हैं। इसलिए अभी तक श्रेयस अय्यर ने वर्ल्ड कप के सभी मैच खेले हैं जिसमें वह 500 से भी अधिक रन बना चुके हैं। तो वही पाँच नंबर के लिए भारतीय टीम के पास केएल राहुल मौजूद है, क्योंकि केएल राहुल भी इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन करते आ रहे हैं और उन्होंने जिस तरह से न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतरीन 19 गेंदों पर 39 रन की पारी खेली और भारतीय टीम के लिए फिनिशिंग अच्छी की थी, इसलिए केएल राहुल और इसके अलावा केएल राहुल विकेट कीपरिंग से भी अपनी बेहतरीन विकेट कीपरिंग कर रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतरीन 3 कैच लिए थे। तो वहीं छः नंबर के लिए भारतीय टीम के पास T20 के नंबर एक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मौजूद है। हालांकि जिस तरह से सूर्य कुमार ने इस वर्ल्ड कप में बल्लेबाजी की है वो बेहद ही खराब प्रदर्शन रहा है, क्योंकि अभी तक सूर्य कुमार यादव ने 5 मुकाबले खेले हैं जिसमें वह एक ही अर्धशतक लगा सके हैं, जो भारतीय टीम के लिए वर्ल्ड कप फाइनल में एक चिंता का विषय हो सकता है। तो वहीं 7 नंबर के लिए भारतीय टीम के पास ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा मौजूद है, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने इस वर्ल्ड कप में एक अच्छा ही प्रदर्शन किया है, जहां पर रविंद्र जडेजा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई विकेट भी नहीं लिया लेकिन वह अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि वह फाइनल मैच में और अच्छा प्रदर्शन करेंगे और जीत दिलाएंगे, जहाँ पर रविंद्र जडेजा ने अभी तक वर्ल्ड कप के सभी 10 मुकाबले खेल लिए हैं जिसमें वह 15 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। 8 नंबर के लिए टीम इंडिया के पास चाइना मैन गेंदबाज कुलदीप यादव मौजूद है, क्योंकि कुलदीप यादव ने इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन किया है और रोहित शर्मा के लिए उम्मीद है कि वह वर्ल्ड कप के फाइनल में ऐसा ही प्रदर्शन जारी रखेंगे, जहां पर कुलदीप यादव ने अभी तक वर्ल्ड कप के सभी 10 मैच खेले हैं जिसमें वह 14 विकेट ले चुके हैं। तो वही 9 नंबर के लिए मोहम्मद सिराज मौजूद है, क्योंकि मोहम्मद सिराज भी इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं, क्योंकि मोहम्मद सिराज ने अभी तक वर्ल्ड कप के सभी मुकाबले खेले हैं जिसमें उन्होंने अभी तक 14 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो वहीं 10 नंबर के लिए भारतीय टीम के पास एक और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह मौजूद हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह का इस वर्ल्ड कप में बेहतरीन शानदार प्रदर्शन रहा है और उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन किया है, जहां पर जसप्रीत बुमराह ने अभी तक वर्ल्ड कप के सभी 10 मुकाबले खेले हैं जिसमें वह बेहतरीन इकोनॉमी के साथ 18 विकेट अपने नाम कर चुके थे। वहीं आखिरी नंबर के लिए भारतीय टीम के पास मोहम्मद शमी मौजूद है, क्योंकि मोहम्मद शमी का इस वर्ल्ड कप में एक अनोखा ही प्रदर्शन रहा है, जिस तरह से उन्होंने फाइनल सेमीफाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को बुरी तरह से तहस नहस करके भारतीय टीम के लिए जीत दिलाई और उन्होंने उस मैच में 7 विकेट हासिल किए, जहां पर मोहम्मद शमी मात्र 6 ही मैचों में 22 विकेट अपने नाम कर चुके हैं। तो वहीं इसी प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ इस महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम को हराकर भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या बदलाव किए जाने चाहिए, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।